story of coming good when it matters the most. Šišić with probably the most important save of his life, saving the penalty corner in the dying seconds to deny Germany the equalizer. And yes, these are tears of joy, these are moments to remember. India, after a gap of 41 long years, have an Olympic medal to show for their efforts. A bronze it is at Tokyo 2020. मेडल को इतना सेलिब्रेट किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड मेडल होगा इस इंडियन टीम ने मनप्रीत सिंह की कप्तानी में खेला है. आई मीन इट्स रियली वंडरफुल टू आई सी द रिवाइवल ऑफ एशियन हॉकी आफ्टर दिस ओलंपिक्स. मुझे कोई डाउट नहीं है कि अब इंडिया में इतने बच्चे बच्चियां आएंगे हॉकी खेलने के लिए कि आपकी सोच है, और उसका कुछ असर अब पाकिस्तान हॉकी में भी पड़ेगा कि जी अब यहां पर भी एक फीलिंग आ रही है. क्योंकि ये जो ब्रोंज है ये नए बदलाव की कहानी भारतीय हॉकी में लिखने जा रहा है, आप तय मान कर रखिए. इकतालीस साल की प्रतीक्षा आज पूरी हुई. हमारे बहादुर खिलाड़ियों ने आखिरकार भारत की झोली में हॉकी का ब्रोंज मेडल डाल ही दिया. टोक्यो में चल रहे इस ओलंपिक में भारत ने अपने प्रतिद्वंदी जर्मनी को 5-4 से पराजित करते हुए यह इतिहास रचा है. इस जीत पर भारत और पाकिस्तान की मीडिया में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, आगे आइए सुनते हैं. बिल्कुल, और रहे 41 साल बाद भारत के पास मेडल, ये देखिए इस मेडल को इतना सेलिब्रेट किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड मेडल होगा. इस इंडियन टीम ने मनप्रीत सिंह की कप्तानी में खेला है. आई मीन इट्स रियली वंडरफुल टू आई सी द रिवाइवल ऑफ एशियन हॉकी आफ्टर दिस ओलंपिक्स. मुझे कोई डाउट नहीं है कि अब इंडिया में इतने बच्चे बच्चियां आएंगे हॉकी खेलने के लिए कि आपकी सोच है, और उसका कुछ असर अब पाकिस्तान हॉकी में भी पड़ेगा कि जी अब यहां पर भी एक फीलिंग आ रही है कि जी पाकिस्तान में भी हॉकी के ऊपर जोर दो, हॉकी को उठाओ, क्योंकि हॉकी में ही तो हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं यार ओलंपिक्स में. लेकिन इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हॉकी में वो ये है कि एक तो उनका प्राइवेट सेक्टर पैसे लगा रहा है इन ओलंपिक स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली इन हॉकी ऑल्सो, प्लस उनकी गवर्नमेंट भी काफी पैसा लगा. दिस इज वेरी गुड फॉर एशियन हॉकी, दिस इज वेरी गुड फॉर हॉकी इन द सब कॉन्टिनेंट, इसलिए क्योंकि दिस विल सर्व एज ए इंजेक्शन फॉर हॉकी इन पाकिस्तान ऑल्सो. क्योंकि अगर इंडिया अच्छा कर रहा है हॉकी में तो इतनी हमारी इंटेंस राइवलरी रही है इंडिया के साथ हॉकी में कि यहाँ पर भी जो है उसका असर आएगा. कि यार मुझे अफसोस होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद नहीं अटेंशन पे कर रहे हैं दूसरे स्पोर्ट्स को, मासेवा क्रिकेट के. इंडियन हॉकी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो इंडियन हॉकी भी पाकिस्तान हॉकी की तरह वही मतलब मसले मसाइल यहाँ पर स्पोर्ट्स ब्यूरोक्रेसी के, गवर्नमेंट में जो हमारी गवर्नमेंट की जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स है वहाँ पर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो रेड टेपिज्म और ये सारे मसले इंट्रीज वगैरह वहाँ भी इंडियन हॉकी में भी रहे. लेकिन बात यह कि उसके बावजूद अगर इंडिया ने अपना एक सिस्टम सेटअप कर दिया है कि वो ऐसा सिस्टम है कि मॉडर्न डे हॉकी में अब इंडिया इस लेवल पे आ गया है कि वो ओलंपिक्स का, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सही चीज़ हो रही है. और सबसे बड़ी बात उसका मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में उसका मतलब लोग खेल रहे हैं हॉकी, यंगस्टर्स हॉकी खेल रहे हैं जो कि अब पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, विच इज़ अ वेरी बिग इशू ऑफ पाकिस्तान हॉकी. भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं. इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है. क्योंकि ये जो ब्रोंज है ये नए बदलाव की कहानी भारतीय हॉकी में लिखने जा रहा है, आप तय मान कर रखिए. क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा साल नहीं गुजरे हैं जब हम लोग हॉकी में ओलंपिक में खेल भी नहीं पाए थे, 2008 में जा भी नहीं पाए थे, लेकिन इतना बड़ा टर्न अराउंड ये युवा टीम करके दिखा देगी ये किसी ने सोचा नहीं था. और आप देखिए जब लैंड किए थे, जिस दिन टोक्यो में हमारी टीम ने लैंड किया था, किसी को उम्मीद नहीं थी. मनप्रीत सिंह की टीम ने कमाल करके दिखाया है. ग्रेम रीड की अगुवाई में जो कोचिंग हुई है, जो उन्होंने टीम को गाइड किया है, वो चीज जो हमारी कमजोरी मानी जाती थी आज वो हमारी ताकत हो गई है. अब देखिए 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर का रूल जब से आया है हॉकी और ज्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है, तो कहा ये जा रहा था कि भारतीय टीम कहीं पिछड़ तो नहीं जा. 40 साल का सूखा देखिए खत्म होता हुआ. सबसे बड़ी खबर इस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स से आ रही है, भारत ने जर्मनी को 5-4 से पचकनी दी है ओलंपिक्स में 41 साल के बाद. देखिए 41 साल के बाद, इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल किया था कपिल, 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स, और उसके बाद अब 2021 में देखिए शानदार
बिल्कुल सही कहा निधि, दिलीप टिर्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बेहतर नहीं होगा उनके उनसे जानने वाला इस वक्त कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स है। दिलीप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, और हमारे न्यूज रूम का माहौल अगर एक बार हम दिखा पाए कि किस तरीके से हमारे साथी जो है तालियां बजा रहे हैं न्यूज रूम में, और यही पूरे देश का माहौल इस वक्त है। दरअसल भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है, 5-4 से जर्मनी को ब्रोंज मेडल के मुकाबले में हमने हरा दिया है, और बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम ने कमबैक करके दिखाई है। 3-1 से हम पिछड़ रहे थे, पिछड़ने के बावजूद हमने इस मैच में जबरदस्त कमबैक किया है। माता जी तड़ी दुआवां दा हज़र सी, मैं सवेर दी महाराज अगे अरदास करनी, मेरी दसवें पातशाह ने सुन ली, सुन ली, दसवें पातशाह ने मेरी सुन ली, मेरी दसें पातशाह ने सुन ली, मेरे पुत दी इज्जत रख ली, मेरे पुत दी। बहुत वधिया मेरे पुत सारे बहुत वधिया खेडे, बहुत वधिया बहुत वधिया खेडे, बहुत मुंडिया ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की मुंडिया ने। सब नु मुबारकबाद दोगे? सब नु मुबारकबाद देऊंगी, सब नु। 40 साल दा लंबा इंतजार खत्म हो गया जी, 40 साल बाद पहली यार खेडे आ, पहली यार इना इथे तक पहुंचे आ, बहुत ज्यादा। और इस वक्त हमारे साथ किरण रिजिजू जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग रिजिजू जी, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस बिग विन। थैंक यू वेरी मच, पूरा देशवासियों को बधाई हो, ये इतिहास है हमारे लिए, 41 साल बाद हम फिर से मेडल पोडियम में आ गई हैं। मैंने शुरू में कहा था कि भारत का सुनहरे पल, बहुत ही सुनहरे पल फिर से आने वाला है, आज साबित हो गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर 1980 के मास्को ओलंपिक में जो हमने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था, उसके बाद हमारा ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। स्थिति तो एक बार ऐसी हो गई थी कि 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक के लिए हम 12 टीमों में जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे थी, उन 12 टीमों में भी हम शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि हम और मैच या और टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे थे, वर्ल्ड कप हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम्स हो, उसमें हमारे टीम का प्रदर्शन जा रहा था, और अगर इंटरनेशनल हॉकी का जो टेबल रैंकिंग जारी होता है उसमें जो जून में जारी हुआ है उसमें भारतीय हॉकी का रैंक 4th है। इसके बावजूद भी हम ओलंपिक में कोई खास असर नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन अब की बार जो हमारे रणबांकुरे ने कर दिखाया है कि हमारे देश की हिस्से में एक ब्रोंज मेडल डाला है, वह एक इतिहास से कम नहीं। हालांकि थोड़ा सा भाग्य अगर साथ देता तो हम गोल्ड मेडल के दावेदार थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अब आस लगी है कि हमारी महिला हॉकी टीम जो वैसा ही अच्छा खेल रही है जैसे हमारे पुरुष खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनसे आस लगी है कि वे गोल्ड हमारी देश की झोली में डालेंगे। हालांकि महिला टीम भी 1980 के मास्को के बाद कोई ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाई है, इसलिए उनके लिए भी यह प्रतिष्ठा का सवाल है कि वह भी देश के नाम को उजागर करें। सभी देशवासियों को की तरफ से और हिंदुस्तान की आवाज़ की तरफ से दोनों महिला, पुरुष और महिला हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि महिला हॉकी टीम गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाले, और साथ ही विशेष रूप से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने भारतीय हॉकी टीम को 1918 से लेकर 1923 तक स्पॉन्सर करने का या बढ़ावा देने का जिम्मा लिया है, इसलिए उनको भी विशेष बधाई। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।